कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव की हार का कुछ ज्यादा ही बड़ा दुख है, जिसकी वजह से वो अपना पद छोड़ने की जिद को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो लगातार एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें अपना इस्तीफा देना ही है, और इस बात को लेकर पार्टी में बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर राहुल गांधी ऐसे ही अपने जिद पर अड़े रहे तो उनके बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा। सुनने में तो यही आ रहा है कि अगर राहुल गांधी अपना फैसला नहीं बदलते हैं तो पार्टी वैकल्पिक तरीका अपनाते हुए एक अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। खबरें आ रही हैं कि पार्टी किसी वरिष्ठ नेता को अंतरिम अध्यक्ष बना सकती है, जो सामूहिक निर्णय लेने के लिए नेताओं के एक कॉलेजियम की अध्यक्षता करेगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटोनी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस को मिली 52 सीटों के साथ ही पार्टी की मौजूदा हालात पर भी चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए मान जाते हैं तो पार्टी में बड़े बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहीं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर आखिरी फैसला आ सकता है। फिलहाल सबसे जरूरी तो ये है कि अगले हफ्ते तक पार्टी इसका फैसला कर ले कि आखिर लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। बता दें कि राहुल ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश की थी और अब तक वह अध्यक्षता छोड़ने पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद से ही अंतरिम अध्यक्ष और कॉलेजियम निर्माण की अटकलें शुरू हुई हैं। वहीं आगामी 17 जून से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में जाहिर है कि राहुल गांधी पर निचले सदन में कांग्रेस नेता का पद संभालने का काफी दबाव है। 16वीं लोकसभा में इस पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति हुई थी, हालांकि वह चुनाव हार गए हैं, इसी कारण यह पद खाली पड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि इसके लिए राहुल के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ SPN से पूजा की रिपोर्ट।